ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई फेवरेट है फेवरेट नहीं जो क्योंकि आपका गाना जो हमारे चैनल पे जो है खास करके जो महिला जो है काफी देखती है, हमारे यहाँ पे जो लड़कियां जो है काफी पसंद कर रही है हमारे चैनल पे आपका गाना को। राखी वाला गाना तुम क्या अमरजीत भाई, आप मेरे चैनल जनता की आवाज़ आप तक देखते हैं? मैं इससे पहले भी आपके बारे में जानता हूँ, आपका नाम शाही है, ठीक है, आपका ये है ना क्या जनता की आवाज़, मैं देखता हूँ और आप पूरे छाए हुए हैं, ऐसे ही छाए रहे बने रहे एकदम। मैंने थोड़ा लेट से आया, मैं दो दिन तीन दिन के बाद आया यहाँ पे। अरे सर कोई नहीं, लेट से बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे। जी जी सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। जिस बॉय का आपको इंतजार था, जिस लड़के का आपको इंतजार था, सारा देश जो है आज इस लड़के को देखना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है। हमारे बीच में अमरजीत जयकर जी है, उनके घर पे मैं पहुंच चुका हूँ और आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं, उसके बगल में जो है इनका जो हारमोनियम वगैरह भी है और इनका ये घर है। इनसे बात करना चाहेंगे, इंडियन आइडल में इनको छाट दिया गया था, 15 सेकंड में जो है इनको जजेस जो थे वो इनको जज नहीं कर पाए थे, जिसके बाद वहां से छटने के बाद आज जो है ये इन आप जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। सोनू सूद जी ने उनको फतेह जो उनका जो आने वाला जो फिल्म है उसमें गाना गाने के लिए इन्हें जो है बुलाया है। सबसे पहले तो जनता की आवाज आप तक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो अमरजीत जयकर जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हुआ अमरजीत जयकर, मैं बिहार समस्तीपुर शाहपुर पटोरी का निवासी हूं, मेरा ग्राम पड़ता है। तो बहुत लोग जो है आपको समस्तीपुर जो चूंकि जिला आपका समस्तीपुर है तो लोग समझ रहे थे कि समस्तीपुर के ही रहने वाले, तो लोग समस्तीपुर में आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा। उनको पता नहीं कि पटोरी में ये जो जगह बताया है हमारा। हाँ। शाहपुर पटोरी अनुमंडल है। हाँ। जी। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आप अमरजीत जयकर कहाँ के रहने वाले हैं। तो अमरजीत जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को जनता की आवाज आप तक, चूंकि आपको पता ही होगा कि ये चैनल आपके ही जो जिला है समस्तीपुर, इसी का ये चैनल है। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को जो है एक बेहतरीन गाना जो गाकर सुनाइए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अच्छा, सिंगर में सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर आपके कौन है? सोनू निगम जी हैं, अरिजीत सर हैं और किशोरदास जी। ज्यादा हम अभी गाना नहीं गा पाएंगे, बाजार की सवाल आप कीजिए, अगर होगा तो ऐसा कल आइए। नहीं तो आप सोनू निगम जी का आप गाना गाते हो, एक गाना उनका भी जरा सुनाएं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। मैंने सुना है कि आप मैथिली में भी गाना गाते हैं। मैथिली मैंने गाना गाया लेकिन मुझे याद नहीं, मेरा ही गाना मुझे याद ही नहीं। जरा हल्का फल्का कुछ गुनगुना दे मैथिली में। नहीं सर मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैं गलत नहीं गा सकता ना, मेरा गाना है तो उसको बेइज्जत तो नहीं कर सकता। हाँ, भोजपुरी पसंद है? भोजपुरी मुझे उतना पसंद नहीं। अच्छा, अभी जो है देश में जो है अश्लील गाना को लेकर बिहार में काफी जो है लोग बहुत सारे गायकों को लोग टारगेट कर रहे हैं और गायक में भी इस तरह के गाना को पसंद करते हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं तो ये बोलूंगा कि क्या अश्लील गाना बिहार में बनना चाहिए? आप तो हिंदी पसंद कर रहे हैं। देखिए अश्लील तो नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ अश्लील अगर वो आपको अगर मान लीजिए मैं अगर एक माँ बहन के साथ बैठ के वो गाना सुनना नहीं सुन सकते आप, नहीं सुन सकते। एक चीज बताइए, शराब है ठीक है, खैनी है, गुटखा है, चावल दाल है, उसमें घी रखा हुआ है, पनीर है, तो आप उसमें से क्या आप आपके पास है ना, आपकी सोच है कि आप पनीर खाना पसंद करेंगे, खैनी खाना पसंद करेंगे, शराब पीना पसंद करेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है। वो तो इंडस्ट्री है, उनका काम है बनाना, वो बनाएंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ्लेवर सुनना पसंद करते हैं। जी अच्छा, अपने बिहार के जो है अपने आप को जो है ब्रांड कहते हैं, बिहार के जो है
हैरान करते हैं, एक पत्रकार हैं, तो वो अभी आया कि नहीं यहाँ पे? कौन? नहीं नहीं, मैं उनका नाम जिक्र नहीं लूंगा, लेकिन उनकी टीम से आई है सस्तक के आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे पता है। तो शायद मनीष भैया यहाँ नहीं है तो नहीं आए, लेकिन उनकी टीम आई है जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं? पापा सैलून चलाते हैं। कहाँ मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे, अब दुकान बंद हो गए, रास्ता में होंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं जनता की आवाज़ आप तक जो समस्तीपुर की जो चैनल है, जो आपका जो नेटिव जो ये मतलब जिला से जो है इसी का ये चैनल है, तो यहाँ के दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शक जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानना चाहते हैं, अपने बारे में डिटेल्स में बताते हुए बताएं। मैं तो वैसे तो शायद मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अमरजीत जयकर, मैं शाहपुर पटोरी का निवासी हूँ, मेरा ग्राम पड़ता है भौवा। तो आप लोग के अगर आप लोग के आसपास से अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है, म्यूजिक में हो, डांसिंग में हो, कोई भी चीज़ कर रहा है, तो आप उन्हें कॉपरेट करें, ना कि आप उसको डिमोटिवेट करें। कॉपरेट कीजिएगा तो अच्छा काम करेगा, अगर डिमोटिवेट कीजिएगा तो शायद वो हो सकता है कि चोर डाकू लफंगा किसी का किडनैप कर ले, ये बन सकता है। तो इसलिए आप उसे डिमोटिवेट ना करें, कॉपरेट करें कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। ना एक रुपया दे सके, लेकिन आप पता है सबसे बड़ी बात होती है किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं ना ऐसे करके, उसे बहुत गर्व महसूस होता है कि अच्छा किसी का कंधे में मेरा हाथ है, तो ये बहुत मायने रखती है। अच्छा, आप कौन सी जगह, पीछे वाले जो केला वगैरह का जो पेड़ है पीछे में, उसी जगह पे गए थे गाना? हाँ, उसी जगह। कौन गाना गा के वायरल हुआ था? वायरल दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो रब दी कसम यारा रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, दगा नहीं करेंगे सनम। बहुत बेहतरीन अमरजीत भाई। अच्छा अमरजीत भाई, मुझे ये बताएं कि आपको लगा था कि आप वायरल हो जाएंगे इस गाने से? नहीं, मैंने बार बार मैंने जिक्र किया है, मैंने नेशनल टीवी पे भी जिक्र किया है कि मैं जो करता हूँ सोच समझ के नहीं करता हूँ। अब हाथ में जो ब्रश लिए हुए हैं तो उधर सुबह सुबह उठ के ऐसा ही मतलब कहते टहलने के लिए, हमारे जो मित्र हैं वो बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज पॉजिटिव सोचते उसका नेगेटिव भी सोचो, तो मैं नेगेटिव भी सोचता हूँ पॉजिटिव भी सोचता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि वायरल हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डेली का पोस्ट देखना, मेरा डेली का उतना ही काम जी। अच्छा, अभी तक जो है आपके जो मतलब सबसे ज्यादा आपको दिल को छू जाने वाला गाना कौन है? जो था तो मैंने वो तो गा ही दिया, लेकिन सुना देते हैं, बस मैं एक गाऊंगा, माफी चाहूंगा। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपने मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं। अच्छा, आपके गुरु कौन थे अमरजीत? कौन हमारे गुरु? कौन है? विक्की भैया। किधर है विक्की भैया? अच्छा, उनसे हम बात कर लेंगे। और आपके कुंदन भाई भी है, मैंने सुना है कुंदन जी जो है आपके, वो भी बहुत ही कॉपरेट किए हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? आपने देखा कि उनके आंख से आंसू कैसे छलक आए, तो बड़ी मोमेंट थी मेरे लिए, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, तो बस मैं बहुत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका घर तो काफी आप गरीबी में रह रहे हैं, तो अगर आप आने वाले समय में गायकी में अगर स्टार बन जाते हैं, उनके फतेह फिल्म के गाना मौका मिलेगी आपको, तो अगर वहां से आप छा जाते हैं, अगर अच्छा 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 आपको लोगों को रिस्पांस मिलता है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? कमा कर क्या करेंगे? कमा के तो मैं तो जो बोला वर्क वो तो मैं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपने शाहपुर पटोरी में एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोलूंगा म्यूजिक का, डांसिंग का। अगर मेरे पास अगर उतनी रहेगी तो मैं अलग से टीचर बुलवा के सिखवाऊंगा, वो भी जिनको सक्षम है वो अगर फीस देने का तो वो देंगे, जिनके पास सक्षम नहीं है वो भी आएंगे, बशर्ते उनमें टैलेंट होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। अमरजीत भाई, आप मेरे चैनल जनता की आवाज़ आप तक देखते हैं? मैं इससे पहले भी आपके बारे में जानता हूँ, आपका नाम शाही है, ठीक है, आपका ये है ना क्या जनता की आवाज़, मैं देखता हूँ, और आप पूरे छाए हुए हैं, ऐसा ही छाए रहे, बने रहे एकदम। मैंने थोड़ा लेट से आया, मैं 2-3 दिन के बाद आया यहाँ पे। अरे सर, कोई नहीं, लेट से बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
आखिरी में अब हमारे दर्शकों को जाते जाते दो तीन गाना जो बढ़िया बढ़िया छोटा सा नहीं छोटा सा नहीं मैं बस एक ही मतलब गाऊंगा जो सबसे फेवरेट है फेवरेट नहीं जो क्योंकि आपका गाना जो हमारे चैनल पे जो है खास करके जो महिला जो है काफी देखती है यहाँ पे जो लड़कियां जो है काफी पसंद कर रही है हमारे चैनल पे आपका गाना को उनके लिए क्या कुछ कह रहा है उनको दिल को छू जाने के लिए चूंकि कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर कमेंट सेक्शन में कि लड़कियां कहती है उस तरह के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करती है आपके इस गाने पर उन लोगों को क्या कुछ सुनाएंगे राखी वाला गाना तो क्या हर तरह का छूटे आना छूटे मुंह से रंग तेरा ढोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना आलोक जी का जो एक गाना काफी थके हुए हैं अमरजीत जयकर जी चूंकि पत्रकारों की जो लंबी कतारें लगी हुई है सुबह से शाम हो गई आप देख सकते हैं कि मैं दो तीन घंटा पहले आया था और मुझे अभी चांस मिल रहा है ये इनका हाल है दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो को आप लोग ज्यादा पसंद करेंगे अमरजीत जयकर को सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल जनता की आवाज आप तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बीच बीच में चूंकि हमारे ये गिरिडीह जिला के हैं हम बीच बीच में आकर इनका इंटरव्यू वगैरह करते रहेंगे आप लोगों को आने वाले दिनों में भी अमरजीत जयकर को सुनाते रहेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा हम यहाँ आ जाया करेंगे दोस्तों जनता की आवाज आप तक को आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज आप तक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आइए इनके गुरु से भी बात करेंगे क्या कुछ करते हैं कुंदन जी है विक्की जी है उनसे बात करेंगे सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़